most businesses fail not because their profit models are not good, not because their business cannot make money on paper. They fail because their business failed to create money in actual, practical, on the live, on the go business experience. Look at cash like oxygen is to body, or blood is to body. You just can't live without oxygen. The business may be inherently profitable, we may be making money, but if we don't have cash, the business cycle will stop. Therefore, I think the cash flow or the cash management is the most important part of business. Current assets basically is aapke bank balances, aapke accounts receivable aur aapka inventory. In tino ka jod aapka current assets hai. And I think the one thing, ek cheez isme jo careful, bahut careful hone ki zarurat hai, ki ye lagte assets hain par hote liabilities hain. Aap धंधे को चलाने में कितना पैसा डाल रहे हैं उसमें हमेशा रिडक्शन का स्कोप होता है, बिकॉज मोर इज नॉट बेटर इन दिस केस. मोर वर्किंग कैपिटल इज नॉट बेटर, ऑप्टिमल वर्किंग कैपिटल इज बेटर. आपके धंधे को कितना मिनिमम वर्किंग कैपिटल चाहिए, मिनिमम पे काम करिए. MSMEs मैक्सिमम पे काम करते हैं बिकॉज इट्स नॉट एफिशिएंटली मैनेज्ड, बिकॉज व्हेन यू डोंट एफिशिएंटली मैनेज इट और चाहिए होता है और पंप अप करना पड़ता है. सो देयरफॉर ट्राई एंड हैव अ टारगेट टू रिड्यूस योर वर्किंग कैपिटल. आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि एज अ सीईओ एंड बिजनेस लीडर आप अपने बिजनेस के और उसके प्रॉफिट्स के कस्टोडियन हैं. तो आपको ये देखना है कि अगर मेरा बिजनेस ने कैश प्रॉफिट जनरेट किया है तो मुझे उसको कैसे प्रूडेंटली अपने बिजनेस के लिए यूज करना है. The cost that your business must incur to exist, whether you produce 30 or you produce 10 or you produce 0, are your fixed costs. Ye aapke cost khade hain, bande hain. So that is something that you must always know ki mere dhande ke fixed cost kya hain. Because your sales every month has to be above your fixed costs. Otherwise, you're going to make operating losses every month. Tasalli zarur milti hai bahut logon ko inventory ke taate dekhke ki haan mera godown bhara hua hai, mere paas bahut maal hai, I'm safe. But I think your business is stuck with cash because you have put it into inventory which is not releasing cash for business. Jo payment ka mamla hai, aaj ki date mein to koi 90 days mein bhi payment nahi de raha hai. To ye jo limit hai 90 se 60 ya 180 se 120, 100 kaise kam ki jaye? या तो धंधा बंद कर दिया जाए उनके साथ, उनको बोला जाए कि माल नहीं दूंगा, तो कैसे किया जाए? आप सही बोल रहे हो विपिन सर. मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि इंडिया में एमएसएमई सेक्टर में ये तकलीफ नहीं है, बट आई थिंक फिर भी मुझे ऐसा लगता है अगर हम अकाउंटेबिलिटी का प्रिंसिपल फॉलो करें यहाँ पे, देयर आर स्टिल सम थिंग्स वी कैन डू बेटर. तो एक पहला काम तो एक कस्टमर की छटाई बिल्कुल पॉसिबल है, करनी चाहिए, हम डरते हैं उसको करने से, पर अगर आप फाइनेंशियली कैलकुलेट करेंगे दीज बिजनेसेस आर नॉट हेल्पिंग यू मेक मनी. दूसरी चीज, वी ऑल्सो मस्ट स्टार्ट यूजिंग थिंग्स लाइक बिल डिस्काउंटिंग विपिन सर, क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि एमएसएमई सेक्टर में हम ये सारे अवेलेबल टूल्स भी एक्सप्लोर नहीं करते हैं. तीसरी चीज जो मैं बोलना चाहती हूँ, अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर अकाउंट्स रिसीवेबल प्रॉब्लम इज सेल्फ क्रिएटेड. इसका मतलब है हमारा कोई कलेक्शन का प्रोसेस ही नहीं है, हमारा कोई फॉलोअप का प्रोसेस ही नहीं है. हम जब याद आता है तो हम कस्टमर को घंटी घुमाते हैं, या जब बहुत ओवरड्यू हो जाए तो कस्टमर को घंटी घुमाते नहीं. अगर आपकी क्रेडिट टर्म 60 दिनों की है, फ्रॉम द 45th डे यू हैव टू स्टार्ट टॉकिंग टू योर कस्टमर. इसके ऊपर दिमाग लगाइए, सोल्यूशन हैं और निकलेंगे पक्की बात.